जय माता दी। सर अभी नवरात्र के पावन अवसर पर आज दिनांक 9 अक्टूबर 2021 शनिवार पुनः खुद के समृद्धि के लिए और मेरे सभी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स और दर्शकों की शुभकामनाएं हेतु मैं श्री माता वैष्णो रानी हमारी आस्था की प्रतीक है उनके दर पर दर्शनार्थ रास्ते में प्रत्येक यात्री के लिए अनिवार्य है बाणगंगा में हूँ। यात्री सहवाग के बाद यात्रा मैं आपको बता दूँ श्री माता रानी के इस पूरे भवन को पूरे रास्ते को शरदीय नवरात्र के अवसर पर कितनी अच्छी तरह से कितनी खूबसूरती से सजाया गया है ये देखते ही बनता है। और मैं पल पल की और माता रानी का सजावट से लेकर भवन तक की यात्रा पूरे ही मैं इस आज के वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाणगंगा में लोगों की काफ़ी भीड़ है, पीछे से देखेंगे हजारों की तादाद में लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। और यह है फर्स्ट एंट्रेंस गेट, यहाँ पे सारे ही श्रद्धालुओं के इंडिविजुअल स्कैनिंग किया जाएगा, तत्पश्चात वो घोड़े के द्वारा पालकी के द्वारा या पैदल यात्रा श्री माता रानी के भवन तक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऊपर अर्धकुंवारी का विशाल मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, टोटल वन साइडेड एक तरफा 19 किलोमीटर का यात्रा मैं आज पैदल ही तय करूंगा। और रास्ते में जो भी सजावट है माता रानी को और देश विदेश प्रदेश के हर कोने से आए हुए श्रद्धालु लोग माता रानी का जियारत करने के लिए माता रानी का दर्शन करने के लिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आए हैं। और आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग मुद्रा अलग अलग स्थिति के द्वारा आपको अवगत कराऊंगा। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम और से माता रानी के भवन तक जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। बीच में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए कई सारे श्रद्धालु लोग अपने गंतव्य की ओर इस रास्ते से जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। वैसे भी जो शरदीय नवरात्रा जो 9 दिन हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है, यह हमारा हिंदू का एक महान पर्व है। इस पर्व के अवसर पर देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु माता रानी के दर्शनार्थ यहाँ प्रस्थान यहाँ पधारते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको दिखाई देता हुआ। और ये रास्ते में माता रानी का प्रसाद लगाए माता रानी की मूर्तियाँ और फोटो ऐसे कई सारे सजावट के सामान बेचने की दुकानें, मैं आपको बता दूँ माता रानी का ये भवन जाने का ये रास्ता जो है इतना खूबसूरत है और पूरी तरह से जीआई शीट से ढका हुआ है। फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा उम्दा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बरसात हो चाहे आंधी तूफान हो चाहे कितना भी सर्दी क्यों न हो, बिना परेशानी के माता रानी के द्वार तक इस मार्ग के द्वारा दर्शन करने के लिए जाया जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर बोलें जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा श्यामा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर हिंदुओं का महान आस्था जो साक्षात जगत जननी नव दुर्गा वैष्णो देवी का मंदिर कटरा धाम में स्थित है, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं अभी हूँ
अर्धकुमारी आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का हुजूम, और सभी श्रद्धालु श्री माता वैष्णो रानी का चरण स्पर्श करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए देश के हर कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पधारे हैं। तो आइए मिलके श्रद्धा से बोलें जय माता दी। जय माता दी। माता रानी का ये भव्य श्रृंगार इस शारदीय नवरात्रा के पावन अवसर पर, आइए देखिए, दर्शन करिए साक्षात जगत जननी का, जिसके नाम का उच्चारण करने मात्र से सारे पाप भूल जाते हैं और हमें पार लगा देती है। मैया रानी हमारी झोली भर देती है। सच में इस महारानी का भव्य श्रृंगार और ये श्रद्धालुओं का जुलूस और ये भव्य भीड़ सच में श्रद्धा है। आइए सब मिलके बोलते हैं जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। श्री माता वैष्णो देवी अर्धकुमारी गर्भजून माता रानी का भव्य श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं आप। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी अर्धकुमारी गर्भजून का भव्य नज़ारा। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी अर्धकुमारी और भवन के बीच का अद्भुत नज़ारा, माता रानी को इस हालांकि बाहर गर्मी है फिर भी बादल माता रानी को अपने आंचल में लपेटे हुए आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा श्री माता जगत जननी का। ये रास्ता भवन की ओर जाने वाला और कई सारे श्रद्धालु श्री माता रानी का दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह से पैदल यात्रा करते हुए इन पवित्र 9 दिनों में माता रानी का खूबसूरत नज़ारा और श्रृंगार देखते ही बनता है। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विशे या देवी सर्वभूते सुमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते सुशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि दिशो देहि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा से महाशिवा दात्री स्वासुदा नमस्तुते। हे माँ जगजननी, हे माँ नव दुर्गा, हे शेरा वाली माता, हे ऊँची पहाड़ा वाली माता, हे माँ पिंडी रानी, इसी तरह हे माता रानी
जो कोई भी श्रद्धालु आपके सच्चे मन से आपको याद करते हैं, आपकी इबादत करते हैं माता रानी, उन सभी के मनोकामना पूर्ण करना, उनके सोचे हुए सारे इच्छाओं का पूर्ति करना है माता रानी। हम सभीों का, भक्तों का झोली भरना, हमारे जिंदगी से दुख दर्द समाप्त करना, और इसी तरह समय समय पर हम श्रद्धालुओं को दर्शन देकर पुण्य के भागीदार बनाना है माता रानी। तो आज दिनांक 9th अक्टूबर 2021 शनिवार शारदीय नवरात्रा के पावन अवसर पर मैं श्री माता वैष्णो रानी साक्षात जगत जन नव दुर्गा माँ त्रिकुटा रानी का दर्शन करने के लिए रास्ते में हूँ। भवन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी हूँ, और आप सभी को जो इस पावन अवसर पर यानी कि शारदीय नवरात्रा के मौके पर माता रानी का दर्शन जो नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उन सभी भक्तों को, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से माता रानी का भव्य भवन का नज़ारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बाहर सूर्य भगवान अपनी लालिमा बिखरे हुए हैं, और इसी के बीच में पूरा बादल पूरा रास्ता को ढका हुआ है, और माता रानी को बादल अपने आंचल में लपेटा हुआ है, और ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेश से माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए, आइए सब मिलकर कहें जय माता दी।